हेलो फ्रेंड्स, राज इतिहास के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे इंसानों के लिए कितना खतरनाक है बर्ड फ्लू। कोरोना वायरस का खतरा अभी बना ही हुआ है कि देश में बर्ड फ्लू से दहशत बढ़ी है। इस बीच बिहार, हरियाणा, पंजाब, ओडिशा और उत्तर प्रदेश से पक्षियों की मौत के मामले सामने आए हैं। केरल, राजस्थान, MP और हिमाचल प्रदेश में पहले से ही बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। इसे देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें भी अलर्ट पर हैं। केरल सबसे बुरी तरह प्रभावित है। राज्य में पक्षियों के सैंपल टेस्ट के बाद एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। क्या है बर्ड फ्लू? बर्ड फ्लू भी सामान्य फ्लू की तरह होता है। ये बीमारी एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से यानी कि H5N1 की वजह से होती है। ये वायरस पक्षियों के अलावा इंसानों को भी शिकार बना सकता है। इन्फेक्शन चिकन, मोर जैसे पक्षियों में तेजी से फैलता है। बर्ड फ्लू का मुख्य कारण पक्षियों को ही माना जाता है, लेकिन कई बार ये इंसान से इंसान को भी हो जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा के शिकार इंसान पर मौत का खतरा भी होता है। इंसानों में कैसे फैलता है बर्ड फ्लू? इंसान में ये बीमारी मुर्गियों या संक्रमित पक्षी के बेहद निकट रहने से फैलती है। इंसानों में बर्ड फ्लू का वायरस आंख, नाक और मुंह के जरिए प्रवेश करता है। इस वजह से इसका बचाव ये है कि संक्रमित पक्षियों, खासकर मरे पक्षियों से दूर रहें। संक्रमण वाले एरिया में कोशिश करें कि ना जाएं। मांस और अंडे खाने से बचें। मनुष्यों में H5N1 संक्रमण के लगभग सभी मामले संक्रमित जीवित या मृत या H5N1 दूषित वातावरण के संपर्क में आने से होते हैं। इंसानों में बर्ड फ्लू के क्या लक्षण है? सांस लेने में दिक्कत, सिर में दर्द, नाक बहना, हमेशा कफ बने रहना, गले में सूजन, उल्टी जैसा महसूस होना, पेट में दर्द होना। इस संक्रमण में सांस लेने में कठिनाई होती है। इसकी वजह से निमोनिया का कारण बन सकता है। कैसे होता है बर्ड फ्लू का इलाज? मनुष्यों में ज्यादातर मामलों में एवियन इन्फ्लुएंजा एक गंभीर बीमारी के रूप में विकसित होती है। इसका इलाज अस्पताल में तुरंत किया जाना चाहिए। ICU की आवश्यकता हो सकती है। इसके इलाज के लिए आमतौर पर एंटीवायरल दवा ओसेल्टामिविर का इस्तेमाल किया जाता है। बर्ड फ्लू संक्रमण को रोकने के लिए टीके विकसित किए गए हैं, लेकिन ये व्यापक उपयोग के लिए तैयार नहीं है। क्या बर्ड फ्लू के दौरान अंडे और चिकन खाना सुरक्षित है या नहीं? बर्ड फ्लू में अंडे या चिकन खाया जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये अच्छे से पके होने चाहिए। पकाते वक्त साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। केंद्रीय पशुधन, डेयरी, पोल्ट्री और मत्स्य विभाग के सचिव अतुल चतुर्वेदी के अनुसार पका हुआ चिकन और उबला हुआ अंडा खाने से बर्ड फ्लू नहीं फैलता है। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। आइए अब जानते हैं पहली बार कब और कैसे इंसानों में संक्रमित हुआ बर्ड फ्लू। पहली बार 1996 में चीन में गीज में एक वायरस का यानी H5N1 का पता चला। इसे करीब 24 साल हो चुके हैं। चीन में इस वायरस के होने के बाद 1997 में हांगकांग में एक मुर्गी के जरिए इंसानों में इस वायरस के होने का पता चला। इस वायरस का नाम H5N1 था, जिससे 18 संक्रमित इंसानों में से 6 की बीमारी से मृत्यु हो गई। WHO का कहना है कि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। इसके अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं। WHO का कहना है कि अच्छी तरह से तैयार और पके हुए भोजन के माध्यम से इसे फैलने से रोक सकते हैं। ये वायरस गर्मी में टिक नहीं पाते हैं और खाना पकाने के तापमान में मर जाते हैं। हमें बर्ड फ्लू से क्यों डरना चाहिए? कोई भी वायरस लगातार अपना दूसरा स्ट्रेन तैयार करते रहते हैं। कुछ स्ट्रेन पहले से कमजोर या घातक हो सकते हैं। ऐसे में अगर बर्ड फ्लू का वायरस कोई ऐसा स्ट्रेन तैयार कर लेता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाता है, तो मानव कोशिकाओं को प्रभावित कर सकता है और एक महामारी का कारण भी बन सकता है। H5N1 से प्रभावित इंसानों में से 60% की मृत्यु हो जाती है। भारत में इंसानों के अंदर बर्ड फ्लू का अभी तक कोई केस नहीं आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक इंसानों में बर्ड फ्लू के किसी भी मामले का पता नहीं चला है। भारत में बर्ड फ्लू की पहली रिपोर्ट 19 फरवरी 2006 को महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के नवापुर गांव से आई। गांव के लोगों ने कई पक्षियों की मौत की सूचना दी थी। महाराष्ट्र राज्य पशुपालन मंत्रालय के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की। लैब में जांच करने पर पता चला कि मुर्गी H5N1 वायरस से संक्रमित थी। अमेरिका में FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने साल 2007 में H5N1 वायरल के लिए वैक्सीन को मंजूरी दे दी थी। तो इस तरह का होता है बर्ड फ्लू। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। साथ ही हमारे चैनल राज इतिहास को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली बार मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू।